For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सलमान खान को एक स्पाई का रोल अदा करते हुए देखना किसने नहीं एंजॉय किया था। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसे फिल्मों में सलमान को एक स्पाई का रोल अदा करते हुए देखने के बाद जब हर कोई टाइगर सीरीज के थर्ड इंस्टॉलमेंट के इंतजार में है, ऐसे में सोर्सेस के मुताबिक यशराज फिल्म्स टाइगर फ्रेंचाइजी के थर्ड इंस्टॉलमेंट की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के करीबी सूत्रों का तो ये तक दावा है कि टाइगर सीरीज के थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए अली अब्बास जफर को अप्रोच किया गया है, हालांकि अभी तक स्क्रिप्ट पर काम शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक सारी तैयारियां खत्म कर सलमान खान को अप्रोच किया जाएगा। वैसे एक बार फिर सलमान को इस मच लव्ड स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइजी के थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखना वाकई में दिलचस्प होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। 2020 के क्रिसमस में होगा दोस्तों एक महाक्लैश, जहां पर इंडियन सुपर हीरो क्रिश टकराएंगे दोस्तों लव रंजन से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज एंड वेलकम टू योर चैनल। चलिए बात करते हैं यहां पर मैं किस क्लैश की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो क्लैशेस का गढ़ हो चुकी है। हर दिन कोई ना कोई क्लैश की खबरें सामने आती है। ये बड़े सुपरस्टार ने पर्सनली सुपरस्टार के साथ क्लैश किया, इस मूवी ने उस मूवी के साथ क्लैश किया, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ क्लैश किया। अब दोस्तों मेन जो क्लैश है वो है 2020 के क्रिसमस का क्लैश, जहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि लव रंजन ने ऑफिशियली बता दिया है DNA को कि यस उनकी एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट आ रहा है दोस्तों 2020 के क्रिसमस में, जिसमें हमारे सिंघम अजय देवगन साहब रणबीर कपूर के साथ आएंगे। ठीक है, ये तो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी रहेगी। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो क्लैश है वो है 2020 के क्रिसमस के क्रिश का क्लैश। जी हाँ दोस्तों, पापा रोशन ने इस बात का कंफर्मेशन दिया था ऋतिक रोशन जी के बर्थडे पर। बोला था कि 2020 में हम रिलीज करने की सोच रहे हैं, 2020 के क्रिसमस में हम रिलीज करने की सोच रहे हैं क्रिश 4 को। इंटरेस्टिंगली अब राकेश रोशन साहब ने इस बात की और खुलासा किया था कि ये जो हम फिल्म बनाएंगे, फ्रेंचाइज बनाएंगे, इसे दो पार्ट में बनाएंगे, जस्ट लाइक बाहुबली वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि इस महा क्लैश में कौन आगे जाएगा। वेल, ये तो सिर्फ बॉलीवुड के अंदर क्लैश है, लेकिन असली कंपटीशन जो आने वाला है वो हॉलीवुड से जेम्स कैमरॉन सर की एवेटार 2 से आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एवेटार 1 जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, क्या इंडियन बॉक्स ऑफिस क्या इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस। जेम्स कैमरॉन वो डायरेक्टर हैं, जिस तरीके से राजकुमार हिरानी इंडियन डायरेक्टर है जिनके नाम पर फिल्में चलती हैं दोस्तों, ठीक उसी तरीके से हॉलीवुड के मिस्टर जेम्स कैमरॉन जिन्होंने टाइटैनिक बनाई, जिन्होंने दोस्तों टर्मिनेटर, उसके बाद एवेटार और अब एवेटार 2, अब होने वाला है महाक्लैश, जो कि होगा बॉलीवुड में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हॉलीवुड बॉलीवुड में भी होगा। दोस्तों देखते हैं कि भाई हमारा इंडियन सुपर हीरो जो क्रिश है वो बॉक्स ऑफिस को इस तबाही से बचा पाएगा या नहीं। क्या लव रंजन का सिनेमा जिस तरीके से हम लोगों को पसंद आता है, मतलब हंसते हंसाते हम जो फिल्में देखते हैं, जो कि सिचुएशनल कॉमेडी भी होता है और आज के यूथ को टारगेट करता है, उस तरीके से लव रंजन हमें हंसा पाएंगे या नहीं, ये तो भाई 2020 के क्रिसमस में पता चल पाएगा। और जेम्स कैमरॉन की एवेटार 2 कितने ज़्यादा आगे निकल पाएगी, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इन तीनों क्लैशेस के बारे में। एंड इसी तरीके के इंटरनेशनल और बॉलीवुड बातों के लिए मैं हूं ना यार राहुल भोज, कीप वॉचिंग